नमस्कार, ओम शांति। एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप ही के अपने कार्यक्रम ज्ञानोदय संतोष दीदी के संग। दर्शकों, जीवन में एक वाक्य हम अक्सर बोलते हैं कि इज्जत का ध्यान रखना, मेरी इज्जत ना चली जाए, खानदान की इज्जत का ध्यान रखना। ये वाक्य इज्जत, हमें इस वाक्य का जीवन के अंदर बहुत औना रहता है। तो आखिर क्यों हम इज्जत के लिए इतनी मेहनत करते हैं, और इज्जत जब प्राप्त हो जाती है तो उसको कायम रखने के लिए भी हम उतनी ही मेहनत करते हैं। आखिर ये इज्जत क्या है, क्यों इसका जीवन में इतना महत्व है, क्या ये इज्जत एक लंबे टाइम के लिए कायम हो सकती है, आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। हमारे बीच में मौजूद हैं हर बार की तरह आदरणीय संतोष दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, ये जो शब्द है इज्जत, व्यक्ति इस चीज को जीवन में बहुत प्रायोरिटी देता है। वो इज्जत कमाता है पूरी जिंदगी भर, और फिर वो अपने बच्चों को भी कहता है कि बच्चों, खानदान की इज्जत का ख्याल रखना, या फिर ये भी कहता है कि देश की इज्जत का ख्याल रखना, समाज में इज्जत का ध्यान रखना। तो इतनी ज्यादा प्रायोरिटी वो इस शब्द को क्यों देता है? ऐसा है, जैसा जीवन में सुख और शांति की आवश्यकता है हर एक मनुष्य को, उसी प्रकार स्वमान भी एक चीज है, उसकी भी उसको बहुत ही ख्याल रहता है। वो समझेगा हमारे को खाने को नहीं होगा तो चलेगा, परंतु हमारी इज्जत नहीं जानी चाहिए जी। आज देखो, छोटा बच्चा है, आप बच्चे को राजा बच्चा कहेंगे तो वो आपकी बात मानेगा, आप उसको बेवकूफ कहेंगे तो खाना बंद कर देगा जी, खाना नहीं खाएगा। आप उससे पूछेंगे, बेटा क्या हो गया तेरे को, बोलेगा मेरे को बेवकूफ क्यों बोला तुमने जी। आज नौकर है, नौकर घर में काम करता है, आप अगर उसको थोड़े डांटेंगे डपटेंगे तो बोलेगा, देखो मैंने पेट के लिए अपना तन बेचा है, मैंने मेरी इज्जत नहीं बेची जी। आप मेरे इज्जत पर हाथ नहीं डाल सकते हैं, आप थोड़ा मर्यादा से बात करो, सभ्यता से बात करो। तो उसको भी इज्जत का सवाल रहता है, हर एक को इज्जत का सवाल रहता है। इसीलिए एक दो को हमेशा बोलते रहते हैं कि हमारी, आज समझो किसी की प्रॉपर्टी है, बाप दादा की प्रॉपर्टी है, उनको पैसे की कमी है, परंतु उस प्रॉपर्टी को बेचना नहीं चाहते हैं। उनको कहेंगे बेच दो, तुम्हारा हाथ थोड़ा छूट हो जाएगा, तो कहते हैं नहीं, अगर हम बेच देंगे तो हमारी इज्जत चली जाएगी। कहेंगे बाप दादा ने प्रॉपर्टी बनाई जी, और देखो इन्हों को कमी पड़ी तो इन्होंने बाप दादा की प्रॉपर्टी बेच दी जी। तो हर एक व्यक्ति को इज्जत, ये जितना उनको सुख और शांति चाहिए उतना ही वो इसको भी इम्पोर्टेंस देते आज समाज के अंदर जी, ये बात होती है। तो दीदी, हमें किन किन बातों में जो व्यक्ति है इज्जत का ध्यान रखता है, ऐसी कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं, कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे उसको बड़ा औना रहता है कि मेरी इज्जत कायम रहे, कहीं मेरी इज्जत ना चली जाए, मैंने बड़ी मेहनत की है, ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं? इज्जत माना क्या है, मान होता है ना जी, मान सम्मान जी। आज आप देखो, महिलाओं ने आंदोलन करके अपना स्थान बना लिया समाज के अंदर, बिल्कुल। अनुसूचित जाति वाले जो है उन्होंने भी अपने को कितने तो अधिकार प्राप्त कर लिए जी। वो कोई भी जाति होने दो, कोई भी पाति होने दो, सबको ऐसा लगता है कि हमारे को स्थान मिलना चाहिए, हमारे को ऊपर मान मिलना चाहिए जी। तो इसीलिए जाति के लिए, धर्म के लिए, धंधे के लिए, आज समझो कोई अगर कोई शाहूकार व्यक्ति है, अगर उसके लिए कोई उल्टी सुलटी बातें करता है या उसके ऊपर इल्जाम लगाता है तो वो उसके ऊपर मान हानि का मुकदमा कर डालता है जी, किसने मेरी मान हानि कर दिया। तो हर एक व्यक्ति को अपनी इज्जत प्यारी होती है जी। वो कहते हैं हमारे को और कुछ नहीं परंतु हमको इज्जत तो जरूर चाहिए, परंतु आज दुनिया में जो इज्जत देते हैं वो लंगड़ी इज्जत देते जी जी जी, लंगड़ा मान। अभी 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 इज्जत देंगे, अभी अभी हम देखते हैं इलेक्शन करके कुर्सी के ऊपर बिठाते हैं जी, चार दिन के बाद उसको कुर्सी से हटा देते जी। अभी अभी किसी को कोई पोजीशन दे देंगे, अभी अभी उसको हटा देंगे, तो ये लंगड़ी इज्जत देते हैं।
सदाकाल के लिए किसी की इज्जत नहीं रहती है, थोड़े समय के लिए रहती है, जिसके कारण उनकी स्थिति क्या होती है, डगमग होती रहती है जी। तो ये जो उनको मान चाहिए, इस मान के पीछे लोग भागते रहते हैं कि हमारे लोगों ने हमारा नाम लेना चाहिए, हमारा सम्मान करना चाहिए, हमारी इज्जत करनी चाहिए, हमारी वाहवाह करनी चाहिए, भले खुद कुछ भी करते रहे परंतु उनको ये ध्यान रहता है जी। तो जैसे आपने ये बताया कि आज कुर्सी पे बिठाया कल उतार दिया, तो ये सब टेम्परेरी है, तो हमारी इज्जत परमानेंट कायम रहे उसके लिए हमें क्या मेहनत और पुरुषार्थ करना चाहिए? देखो, उसके लिए मेहनत करने के पहले हम देखते हैं कि ये जो करते हैं टेम्पररी, एक दो को जो इज्जत देते हैं, इसके लिए एक अच्छी बात बताते हैं कि देखो कैसा जात पात के ऊपर कैसा लोग अपने ये करते ध्यान देते। एक सम्राट था, उसके देश के अंदर कोई ऐसा बड़ा अच्छा कलाकार था, तो उसने क्या किया, भगवान की मूर्ति बनाई, बहुत सुंदर मूर्ति बनाई, उस मूर्ति बना के खुद गायब हो गए। तो एग्जीबिशन था, ये सम्राट और इसके सब कर्मचारी वो एग्जीबिशन देखने को गए, ऐसा लगता था जैसा वो जीवित वहाँ पर देवता खड़ा है। उसके एक एक ऑर्गन्स इतने सुंदर उसने बनाए थे, उसको देखने के बाद सब ढूंढने लगे कि इसका कलाकार कौन है, सब एक दो से पूछने लगे ये किसने बनाया। सम्राट ने भी पूछा कि ये किसने बनाया, तो कहे वो मालूम नहीं कौन है बनाने वाला। फिर आखिर उसका एक कर्मचारी था सम्राट का, उसने जाकर के ढूंढ के काले कलूटे पतले आदमी को सामने लाके खड़ा कर दिया जी, और कहा कि सम्राट को कहा कि बादशाह ये इसने बनाया है, इस क्षुद्र व्यक्ति ने ये देवता की मूर्ति बनाई है। तो उसके जो दूसरे कर्मचारी थे, सेनापति थे, जो भी थे, काफी बड़ा काफला आया था, वो शिव 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 करने लगे, बोले अरे एक शूद्र होकर के इसने भगवान की मूर्ति बना दिया, इसने ये क्या किया। सम्राट को बोला इसके हाथ काट डालने चाहिए, इसने ये क्या काम किया जी। और वो बेचारा इतना बड़ा कलाकार होते हुए उसकी टांगे कांप रही थी, डर रहा था, वो सम्राट के चरणों में गिर गया कि मेरे से भूल हो गई, मैंने बनाया जी। देखो कैसी इज्जत करते, इज्जत है ये। तो सम्राट ने उसको उठाया, उसको उठा करके अपने गले लगाया और उसके जो हाथ थे काले कलूटे के उसके हाथ चूम लिए। सम्राट ने कहा मेरे को शर्म आ रही है कि आप लोग जात पात के ऊपर इतना भेदभाव रखते हैं जी। आज इतना बड़ा कलाकार होते हुए उसने इतनी सुंदर मूर्ति बनाई, आपने उसकी क्या इज्जत रखी, उसकी कला की कौन सी आपने इज्जत रखी, आपने उसकी जात को देखा पर उसकी कला को नहीं देखा। बिल्कुल बिल्कुल। राजा ने उसको 1000 मोहरे दिया इसके सोने की इनाम, और उसको अपना राजा राज का उसको कलाकार नियुक्त जी। ये है वास्तव में इज्जत जी। परंतु राजा ने उसने सम्राट ने कहा कि अगर ये भेदभाव जात पात धर्म, अगर ये भेदभाव भूल जावे आज, तो सब भाईचारा सब तरफ हो जावे, सब कितना सुख से रहे जी, जी, तो जी। ये सब कुछ छोड़ने की आवश्यकता है, जब तक ये नहीं छोड़ेंगे तब तक एक दो को वास्तविक इज्जत नहीं दे सकते जी 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 जी। तो वास्तव में इज्जत जो देनी चाहिए वो एक दो की विशेषताओं को, एक दो के गुणों को, एक दो की महानता को हमें इज्जत देनी चाहिए। उसके बजाय लोगों ने क्या किया, ये देह और देह के धर्मों को, जाति पाति को इज्जत देना चालू कर जी जी बिल्कुल। और वो लंगड़ी इज्जत, वो परमानेंट इज्जत नहीं जी, जी जी ये बात है। दीदी एक चीज ये भी कहते हैं कि आदमी अपने कर्मों से इज्जत कमाता है और अपने कर्मों से गवा भी देता है, तो ऐसे हमें कौन से कर्म करने चाहिए जो हमारी इज्जत समाज में एक लंबे टाइम तक कायम रहे? जैसे हमने महापुरुषों की गाथाएं भी सुनी है, महात्मा गांधी जी थे और गुरु नानक जी थे, तो भले कितना देखा जाए वो आज से 500 साल पहले आए गुरु नानक जी, लेकिन आज तक भी उनका नाम कितना इज्जत से लिया जाता है। तो ऐसे मनुष्य को कौन से कर्म करने चाहिए कि एक लंबे टाइम तक उसकी जो मान है, इज्जत है, वो कायम रहे?
उसके लिए उनको श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए, उसके लिए उनको दूसरों को सुख देना चाहिए, उसके लिए समाज सेवा करनी चाहिए, उसके लिए त्याग की आवश्यकता है जी। तो जितना हम त्याग करते खुद की सुख सुविधाओं का, खुद के स्वार्थ का, उतना हम समाज की सेवा कर सकते हैं। तो जो समाज की सेवा करते हैं, औरों को सुख देते हैं, उससे उनकी इज्जत होती है जी। आज हम देखते हैं सबसे ज्यादा इज्जत जो है वो देवी देवताओं की। आप ये भी जो महान आत्माएं होके गए, बड़े होके गए, इनके रास्ते में पुतले लगे हुए, उन पुतलों के ऊपर कभी कौवा आके बैठता है, कभी चिड़िया आके बैठती है, परंतु जो देवी देवताएं हैं उनके पुतले, उनकी मूर्तियां ऐसे रास्ते पर नहीं लगाती जी। उनकी मूर्तियां जो है वो मंदिरों में रखी जाती है, उनकी मूर्तियों का पूजन किया जाता है, उनकी मूर्तियों का श्रृंगार किया जाता है, उनके एक एक कर्म का पूजा होती जी। अभी देवताओं को भोग लग रहा है, अभी देवताओं को देवताएं विश्राम कर रहे हैं, अभी देवताओं का श्रृंगार हो रहा है, तो ये उनका इतना गायन और पूजन क्यों होता है? क्योंकि इन्होंने ऐसे श्रेष्ठ कर्म किए हुए हैं जी। ईश्वरीय याद के द्वारा अपने कर्मों को इतना ऊंचा बनाया हुआ, तो परमात्मा आकर के हमारी इज्जत जो है वो बढ़ाता है, हमको वो याद दिलाता है कि तुम ये जो यहाँ के देहधारियों के कुल लेकर के बैठे है, जाति पाति लेके बैठे है, वास्तव में तुम जो भी हो सब तुम शिव वंशी हो, तुम मेरी संतान हो। तो जिस समय हमें ये स्मृति आती है कि हम सब एक ही पिता की संतान है, हम शिव वंशी है, शिव से ऊपर तो दुनिया में कोई भी नहीं जी, तो हमारा वंश कितना ऊंचा है, तो जैसा हमारा बाप ऊंचा है वैसा हमें भी ऊंचा बनना है, ये अंदर में एक बहुत बड़ी अपने को समझो उमंग आता है, एक अंदर से संकल्प आता है कि हमें भी वो ऊंचाई धारण करने की आवश्यकता जी। तो आत्मा की दृष्टि से हम सब शिव वंशी है, और फिर जब देह में आते हैं तो हम जो भारतवासी है वो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। तो ये जो श्री लक्ष्मी श्री नारायण है, श्री सीता श्री राम है, जिनका पूजन होता है, ये हमारे पूर्वज हैं जी। तो हमारे पूर्वज जब इतने ऊंचे थे, वो संपूर्ण निर्विकारी थे, वहां पर विकारों का नामो निशान नहीं था, फिर हमारे अंदर ये विकार आए कहाँ से? तो ये हमको जिस समय पर स्मृति दिलाता है परमात्मा अभी आकर के, तो हम भी क्या करते हैं, उन जैसा बनने का पुरुषार्थ करते जी, जी, अपने जी। अंदर दृढ़ संकल्प करते हैं कि अगर हमारे पूर्वज इतने श्रेष्ठ हैं, आज भी देखो देवताओं के मंदिर में जाके भारतवासी क्या गायन करते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, अगर हमारे माता पिता देवी देवता है तो हम उसके बच्चे भी देवी देवता होने चाहिए जी, जी, जी। परंतु वो संपूर्ण निर्विकारी है और खुद आज मनुष्य विकारी। तो अगर हमारे को अपनी इज्जत जो है वो परमानेंट बनानी है, देवी देवताओं को तो 5000 बरस हो गया इस सृष्टि पर, अभी तक देखो उनका कितना गायन और पूजन होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये है वास्तव में सच्ची इज्जत। तो हमारे को भी अपनी इज्जत बनानी है तो हमको उन जैसा बनना है, ये अपने साथ हमें संकल्प करने की आवश्यकता जी। जी, तो बहुत अच्छी आपने बात बताई कि आदमी अपने श्रेष्ठ कर्मों से परमानेंट एक मान को, अपनी इज्जत को कायम रख सकता है। दीदी, अब यहाँ बात आती है कि हम ये भी कहते हैं हमारे कुल की लाज रखना, हमारे कुल की इज्जत रखना, हमारे खानदान का नाम ऊंचा करना, तो इस चीज के लिए भी लोगों को बड़ा जीवन में औना रहता है कि वो भी, उनके बच्चे भी, उनके खानदान वाले भी जो है इज्जत का ख्याल रखे। तो हम अपने वंश की इज्जत को किस तरीके से और बढ़ा सकते हैं? अभी वो तो यहाँ दुनिया का जो वंश लेके बैठे है जी, अभिमान के कारण उस वंश की बात करते हैं। मैंने अभी आपको बताया परमात्मा तो हमको ऊंचे से ऊंचे वंश का बताता है जी, कि तुम शिव की वंशावली। तो जब शिव की वंशावली हो तो तुम्हारे अंदर वो सर्व शक्तियां होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर वो सर्व देवी गुण होने चाहिए, जिन देवी गुणों को धारण करके तुम मानुष्य से देवता बन सकते जी, जी। तो हमारे जीवन का लक्ष्य इतना ऊंचा होना चाहिए कि हमारे जो पूर्वज है हमें उनको फॉलो करके उन जैसा बनना है जी। ये वास्तव में है इज्जत, कुल की भी बढ़ाना और अपनी भी बढ़ाना जी। जी जी, आज मनुष्य जाकर के मंदिरों में क्या बोलते हैं, क्या गायन करते हैं कि हम तो आपके दास हैं, हम तो आपके गुलाम हैं, परंतु वो भगवान के गुलाम नहीं है, वो पैसे के गुलाम बने हुए हैं।
वो सीट के गुलाम बने हुए हैं, बिल्कुल, वो इच्छाओं के गुलाम बने हुए हैं, तो वो गुलामी छोड़ने की आवश्यकता है, बिल्कुल, तो जब वो गुलामी छूटती है तभी हम परमात्मा की आज्ञाओं पर चल के अपने जीवन को ऊंचा और श्रेष्ठ बना सकते। जी 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 जी, तो इसका मतलब चाहे हम कोई भी कुल के हो, वंश के हो, यदि हम परमात्मा की शिक्षाओं को जीवन में धारण करते हैं तो ना केवल हम अपने वंश का नाम ऊंचा करते हैं, समाज का ऊंचा करते हैं, बल्कि उस परमात्मा का भी नाम ऊंचा करते हैं। जी, देश की भी बात है। जी जी जी, देश का भी नाम ऊंचा होता है। आप देखेंगे भारत देश का कितना गायन, बिल्कुल, भारत देश जो है वो देव भूमि था, आज देश के लिए लोग मर मिटने के लिए तैयार हैं कि हमारे देश का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। जी, तो देश का नाम हमारा बदनाम नहीं होवे, क्यों? क्योंकि ये भारत भूमि परमात्मा शिव की जन्म भूमि है, ये भारत भूमि देव भूमि थी, ये भारत भूमि स्वर्ण भूमि थी, यहाँ पर देवी देवता निवास करते थे, ये विपुलता से भरी हुई थी, यहाँ पर सुख शांति था, शेर बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। आप देखेंगे जो भगवान ने जो वचन दिया है कि जब जब धर्म की गिलानी होती है, कहाँ धर्म की गिलानी होती है? जब जब भारत में धर्म की गिलानी होती है तभी मैं आता हूँ। उसने दूसरे देश का नाम नहीं लिया, भारत जी, का जी, ही नाम, भारत का है, बिल्कुल, क्योंकि ये भारत भूमि परमात्मा की अवतरण भूमि है, तो हमें सिर्फ अपने वंश का नाम बड़ा नहीं करना है, हमें हमारे देश का जो नाम है, जो हमारे देश का गौरव है, उस गौरव को हमें फिर से प्राप्त करना। जी 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 जी, आज भी देखो ऐसे समय पर भी जब हमारा देश इतना पुराना हो गया है, इतना गरीब हो गया है, तो भी आज भी लोग मानते हैं बाहर वाले कि ये जो भारत देश है ये सबका गुरु है। जी, आध्यात्मिकता में तो गुरु है ना, रास्ता बताने में वो सबका गुरु है, श्रेष्ठता में वो गुरु है। जी, अभी भले अपने को भूल गया, तो जो हम भूल गए उसको वापस प्राप्त करना माना इज्जत बढ़ाना। जी, देश की भी इज्जत बढ़ाना, अपने कुल की भी इज्जत बढ़ाना, खुद की भी इज्जत बढ़ाना। जी जी जी, इज्जत मांगने से नहीं मिलती है, कर्म करने से मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, आज कोई किसी को बोलता रहे तू मेरी इज्जत कर, इज्जत कर, कैसा करेगा? अगर हमारे अंदर वो दिव्यता ही नहीं दिखाई देगी तो वो इज्जत नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आज आप देखो देवी देवताओं को डबल ताज बताते हैं, एक रत्न जड़ ताज है उनको और एक पीछे लाइट का ताज, तो वो पवित्र आत्माएं हैं। तो हमें भी, हम भी जिस समय पर जीवन में पवित्रता को धारण करते हैं, निर्विकारिता को धारण करते हैं, तो हमारे अंदर वो दिव्यता आती जाती है, और वो जो दिव्यता है वही हमको ऊंचाई के ऊपर लेके जाती है। जी 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 दीदी, आज का जो टाइम है कलयुग का टाइम कहते हैं, और आज के टाइम में इसको कलयुग इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज इंसान इंसान को समझता ही नहीं है, इज्जत इंसान की हैसियत से करता ही नहीं है वो, तो हम इंसान को इंसान समझ करके उनकी इज्जत करें, उसके लिए हमें अपने आचरण में क्या क्या बातों को लाना आवश्यक है? देखो इंसान को इंसान समझने के पहले हमें ये समझना चाहिए कि ये जो हमारे सामने व्यक्ति है ये सिर्फ शरीर नहीं है, ये आत्मा है। जी, ये परमात्मा की संतान है, मैं भी उस सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, ये भी सर्वशक्तिवान की संतान। तो जब हमारी आत्मिक दृष्टि होती है, आत्मिक दृष्टि होने के कारण हम उसको ऊंची दृष्टि से देखते हैं कि ये भी उसी के ही बच्चे, हम भी उसी के ही बच्चे हैं, हम एक ही घर के रहने वाले हैं, एक ही पिता की संतान है, हम पहले सब निर्विकारी थे परंतु अभी खुद को भूल जाने के कारण हम विकारी बन गए। जी, तो जिस समय पर ये हमारे को स्मृति आती है ना, तो हम एक दो को उस सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, ऊंची दृष्टि से देखते हैं। जब हमारी दृष्टि ऊंची हो जाती है तो सामने वाले की दृष्टि भी ऊंची हो जाती है। जी, 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 जी। और कभी भी किसी को देखो तो उसमें से गुण देखो। जी, उसमें से विशेषताएं देखो, तो क्या हो जाएगा, वो देखने के बाद हमको उस व्यक्ति के लिए प्यार पैदा होता है। जी जी, अगर हम उसकी कमजोरियां देखना चालू कर देते हैं कि ना जो भी हो थे राज दरबारी उन्होंने उसका कुल देखना चालू किया, उससे क्या फायदा हुआ? जी, जी, नुकसान ही होता है ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वैसा देह और देह के धर्मों को देखने के बजाय, देह की बातों को देखने के बजाय अगर हम दिव्यता को देखते हैं तो उससे हम उसको भी ऊंचा उठा सकते हैं और खुद भी ऊंचा बन सकते हैं। जी दीदी, एक चीज यहाँ पर आती है कि जैसे माँ बाप की अपेक्षाएं अपने बच्चों से बहुत जुड़ी रहती है कि हमारा जो बच्चा है समाज में देश का
जो है नाम ऊंचा करे, लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है कई बातों को लेकर के वो ग्रस्त हो चुकी है, जैसे वो नशा कर रहे हैं, एडिक्शन उनकी लाइफ में आ चुका है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में आ चुकी है, मोबाइल का यूज़ एक गलत तरीके से करना वो भी बहुत ज़्यादा करने लगे हैं, तो उनको इज्जत की परवाह ही नहीं रही है, वो एक तरह से ट्रैप हो चुके हैं इस माया जाल के अंदर। तो आप ऐसे युवा बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो ऐसा है, ये जो युवा बच्चे हैं इनको सुधारने के लिए भी आध्यात्मिकता एक ही ऐसी औषधि है जिससे मनुष्य का जीवन सुधर सकता है। जी, जब तक आध्यात्मिकता को नहीं जानते हैं तब तक अपने जीवन को सुधार नहीं सकते हैं, क्योंकि ज्ञान को प्रकाश कहा जाता है और अज्ञान को अंधकार कहा जाता है। तो ये अज्ञान अंधकार में फंसे हुए है, इनको ज्ञान के प्रकाश की आवश्यकता है। जी, तो जितना जितना हम लोग उनके लिए खास ज्ञान जो है, आध्यात्मिक ज्ञान जो है, जब भी उन लोगों को हम जब देते हैं तो हम देखते हैं उससे बहुत फायदा होता है। हम लोगों ने कुछ बरस पहले एक युवा अभियान निकाला था और उसमें हम लोगों ने 10 सूत्री कार्यक्रम बनाया था। उसमें ऐसा बनाया था कि आप एक बरस के लिए कोई ना कोई अपनी बुराई छोड़ो। जी, 5 विकारों में से कोई भी छोड़ो, काम क्रोध लोभ अहंकार, मांसाहार छोड़ो, सिगरेट छोड़ो, ड्रग छोड़ो, पिक्चर देखना छोड़ो, मतलब कोई ना कोई ऐसी बुराई छोड़ो। तो पहले जब ही हम लोगों ने ये फॉर्म बनाए तो हमको ऐसा लगता था ये कौन भरेगा, जी कौन इतनी हिम्मत करेगा। परंतु जब हमारे युवा भाई बहन एक एक जगह पर गए, साइकिल यात्रा थी वो, कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली तक, ऐसे चारों तरफ से यात्राएं निकली। तो जब ये युवा भाई बहने एक एक गांव में गए, एक एक शहरों में गए और वहां जाके लोगों को समझाया और उन लोगों से फॉर्म जब भी भराए, तो कितने लोगों ने खुशी से अपनी बुराइयां छोड़ने के संकल्प किए। जी, और हमने देखा जब भी हमने इसकी पीठ किया, इसका रिजल्ट देखा हम लोगों ने, तो बहुत लोगों ने आध्यात्मिकता में रुचि ली और हमारे कितने सेवा स्थान उसके बाद खुले और युवा पीढ़ी ने उससे कितना फायदा लिया। जी, आज भी हमारे पास कम से कम 1,00,000 से भी ज्यादा ऐसा निर्व्यसनी युवाएं हैं। तो हमेशा हम युवाओं के लिए खास प्रोग्राम कुछ न कुछ बनाते रहते हैं, चलाते रहते हैं और उन लोगों को बताते हैं कि कैसे युवा सब कुछ कार्य करते हुए डिस्ट्रक्शन नहीं पर कंस्ट्रक्शन का कार्य कर रहे हैं। जी जी, तो उसके लिए हम हमेशा सुजाग रहते इस बात। जी जी दीदी, आज इस विषय को लेकर के आपने इतनी अच्छी एनालिसिस हम सबके सामने रखी है, बताया कि किस तरीके से हम अपने जीवन के अंदर एक परमानेंट मान को, इज्जत को कायम कर सकते हैं श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा। और इस विषय की गहराई भी मैं कहूंगी कि उतनी ही महत्वपूर्ण है जीवन के अंदर जितना आदमी धन कमाने के पीछे आज के टाइम में पागल हो चुका है, लेकिन इस चीज को आज इज्जत को ताक पे रख दिया है। तो जो भी दर्शक इस एपिसोड को देख रहे होंगे, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो इस चीज़ को भी जीवन में प्रायोरिटी देंगे और अपने जीवन में बदलाव अवश्य लेकर आएंगे। दीदी, आपने युवाओं को भी जो संदेश दिया है इसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। तो दर्शकों, आज की जो डिस्कशन हमने की है उससे ये बात तो स्पष्ट है कि यदि हमें एक दूसरे की इज्जत करना सीखना है तो हमें अपने जीवन में आध्यात्मिकता को अपनाना होगा, क्योंकि आध्यात्मिकता हमें जीवन में ये दृष्टिकोण देती है कि हम वास्तव में देह नहीं, हम आपस में रूह है, भाई भाई है। तो हम एक दूसरे को ईश्वरीय संतान के रूप में देखते हैं और एक दूसरे के प्रति हमारा नजरिया बदलना शुरू हो जाता है। और यदि हमें जीवन के अंदर एक स्थायी इज्जत चाहिए, स्थायी मान चाहिए, तो हमें फॉलो करना चाहिए देवी देवताओं की जीवन को, क्योंकि उन्होंने भी परमात्मा स्मृति से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया है। तो दर्शकों, आज का ये एपिसोड हम यही समाप्त करेंगे, अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।